सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थी आहे? अच्छा तो बुधाएं, को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक बे जो प्रोफाइल पसंद कन था एं जे गालण में हिचकिचाइन था त रिश्तो.com हुनन जी मीटिंग कराए गाल बोल के अगे वधाइन आइन एं जे गाल ठई त शादी फिक्स। रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा प्रशासन द्वारा अवैध बैनरों, झेंडों और होर्डिंग्स पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल उच्च न्यायालय ने अपनी जनहित याचिका संख्या 155/2011 में बिना अनुमति के शहर में किसी भी स्थान पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, कटआउट और झेंडे लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए उल्लासनगर मनपा की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में दुकानों के बाहर दुकानों की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगाए गए स्थायी बोर्ड और होर्डिंग्स पर भी उल्लासनगर मनपा के प्रभाग समिति की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी कार्यवाही को लेकर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर जी से पूछे जाने पर उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका में जितने भी व्यावसायिक आस्थापनाएँ, दुकान है या जितने भी एडवर्टाइज़ करने वाली संस्था है, तो उन्होंने महानगर पालिका आयुक्त उनकी उचित परमिशन लेके कोई भी एडवर्टाइज़ या कोई भी सूचना प्रसिद्ध करनी चाहिए। लेकिन महानगर पालिका क्षेत्र में ऐसी यहाँ पे दिखता है कि कोई भी व्यावसायिक अपनी एडवर्टाइज जब करता है तो उसकी कोई परमिशन नहीं लेता। तो परमिशन लेने का प्रावधान हमारे महानगर पालिका अधिनियम 244 और 245 में है। उसके साथ में भी 9 मई 2022 में जो उसके नियमावली प्रसिद्ध हुए उसमें भी है। दुकान के ऊपर दुकान का नाम लिखने के लिए कोई परवानगी की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप अगर डिस्प्ले करते होंगे तो उसको परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी के आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसकी भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। और दुकान का क्षेत्र छोड़ के दुकान के बाहर रास्ते के ऊपर कोई भी लोगों को आने जाने के रोड के ऊपर या फुटपाथ पर ऐसे कोई एडवर्टाइज़ लगाता तो वो उचित नहीं, उसके ऊपर महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू है। तो मेरी आपके माध्यम से सभी व्यापारी मित्रों को, नागरिकों को आह्वान है कि आप कोई भी एडवर्टाइज़ लगाएंगे तो महानगर पालिका की परमिशन लीजिए, उसकी उचित फीस है, वो फीस भर के आप परमिशन लीजिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।